अच्छा ये ग्रीन हाउस गैसेस आती कहाँ से हैं ये कई दफ़ा इस पर हमने ज़िक्र किया है इस सेक्शन इस में भी इससे पहले वाले सेक्शन के अंदर भी तो इसके सोर्स जो है वो ऑलरेडी बहुत आसानी से आइडेंटिफाइड हैं कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनका कनेक्शन ज़रा ज़रा मुश्किल से समझ में आता है लेकिन सारे को जो सोर्सेज हैं हम सबको पता है कि कहाँ से निकल रही है ग्रीन हाउस गैस अब ये देखेंगे कहाँ कहाँ से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है मैंने पहले भी आपको बताया था एक मैं और रिपीट कर दूँ कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे बड़ी है ना उसके बाद मैथेन है उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल uh, uh, इसकी वजह से ग्लोबल गैस की ग्लोबल वार्मिंग के लिए लेकिन बस अच्छी बात यह है कि मैथेन की कॉन्सनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सनट्रेशन से बहुत कम है नाइट्र नाइट्रस ऑक्साइड उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड की कॉन्सन्ट्रेशन सबसे कम है उस इनमें लेकिन ये सब मिल मिला के ये सारी कहानी उनकी इन इनकी कहानी शुरू होती है और भी बहुत सी गैसें हैं तकरीब सारी गैसें जो हैं वो कुछ ना कुछ यकीन ऐसा करती हैं कि वो ज़मीन से बाहर गर्मी नहीं निकल पाती तो ज़्यादा अगर कॉन्सन्ट्रेशन किसी की भी होगी तो प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा तो ये देखें कहाँ कहाँ से आती है ये गैस ये ब्लू वाला देखें सेक्शन ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर या आप कोयला जलाएंगे जो ज़्यादातर चलता है कोयला जलता है और चीन में तो सारे ही कोयला जलता है या फिर गैस जलाएंगे जो आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों ने कोयला से हट के गैस जलाना शुरू किया कि कम, उस -कम उस से कम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी कम निकलती है तो वो ये दोनों चीज़ें कोयला और गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी uh, प्रोडक्शन में और एक चौथाई जो है पच्चीस फीसद जो है कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से आती है इसमें से मैथिन वैथिन नहीं निकलती ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये दो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में निकलती हैं एग्रीकल्चर और एंड फॉरेस्ट्री अब एग्रीकल्चर में यह है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उसी तरह एग्रीकल्चर की गंदम की ज़रूरत चावल की जरूरत सब्जियों की जरूरत तो जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उस सूरत इसका मतलब ये काश्त करनी पड़ेगी इतनी ज़्यादा ज़मीन उस उन लोगों को तो ज़मीन को पहले तो डिफॉरेस्ट करना पड़ेगा इसका मतलब जहाँ जहाँ जंगल लगे हुए हैं उनको जंगल काट के फिर ये ये उगाते हैं जहाँ पे जरूरत होती है इसकी जैसे साउथ अमेरिका का देखें साउथ अमेरिका का जो अमेजोन फॉरेस्ट है उसको कहते हैं ये हमारी ज़मीन का लंग्स हमे, है हमें हमारी जमीन के फेफड़े हैं जहाँ इतना ज़्यादा वहाँ फॉरेस्ट है वो सारी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ज़मीन से निकलती है कई मकदार में कई बहुत ज़्यादा वहाँ पे दोबारा एब्जॉर्ब हो जाती है फॉरेस्ट की वजह से लेकिन वहाँ लोग रहते हैं क्या करना चाहिए उनको वो फिर काटते हैं सारे झाड़ दरख्तों को काट देते हैं वो फ्लैट फिर ज़मीन मिलती है और फिर उसमें जो फसलें लगाना कर, लगाना लगाते हैं वो अपने खाने के लिए वो लगाते हैं क्या करें और मसला ये है कि वो जो चूँकि ये पहले फॉरेस्ट था जंगल था इसका मतलब ज़मीन तक के सूरज पहुँच नहीं पाता था इसकी वजह से जमीन की जो मादनियात है ना जमीन की जो ग्रोथ कैपेबिलिटी है वो बहुत कम है तो ये जो काट के काश्त करते हैं वहाँ पे चीजें वो एक साल चलती है दो साल चलती है तीसरे साल बिल्कुल उसमें से कुछ नहीं निकलता तो फिर उसको बंद करके दूसरी जगह चले जाते हैं फिर वहां पे अब वो काटते का, काटते हैं तो क्या करते हैं उस लकड़ी का वो जलाते हैं वो जलने से फिर और प्रॉब्लम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी वक्त आप अगर गूगल अर्थ में देखें ना जाके साउथ अमेरिका को आपको वहां से धुआं निकलता नजर आएगा ऊपर से सेटलाइट से नजर आ रहा है कि कितना धुआं निकल रहा है तो एक बहुत बड़ी वो पोल्यूशन का वो प्रॉब्लम है तो ये एग्रीकल्चर का ये प्रॉब्लम है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो उतना उतनी ज़्यादा डिमांड लैंड की है उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा काश्त बढ़ेगी ट्रैक्टर का इस्तेमाल दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो सारी चीज़ें फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का उसका अलग से जिक्र करते हैं ट्रांसपोर्टेशन चौदह फीसद सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करती है आप अंडा खाते हैं उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है पाँच दस पैसे के पेट्रोल की कीमत बढ़ गई थोड़ी सी क्योंकि सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्री में सारी एनर्जी आती और तो हमें कोई भी सूरत पता ही नहीं है बजाय इसके कि कोल इस्तेमाल करें या तेल इस्तेमाल करें बहुत ही कम इंडस्ट्री है जो कि रीन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करती है अभी तक ज़्यादातर इस्तेमाल रिनीबल एनर्जी का घरों की हस्तक के है ये जो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो थोड़ी सी एक एक्सेप्शन है और वो कभी कहीं कहीं है वो जगह सारी जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो नहीं है पाकिस्तान थोड़ा सा फॉर्चुनेट है उस हिसाब से कि हमारे पास इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मौजूद हैं कि निकल आती है हमारे इंडस्ट्री के लिए भी लेकिन बाकी जगह तो है ही नहीं बिल्कुल फ्लैट है ट्रेन तो वहाँ तो नहीं हो सकती तो ये सारी चीज़ें बिल्डिंग्स हैं अब सारी इमारतें हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उसमें खाना पीना ये वो सब कुछ तो सारा सोर्स ये सारी चीज़ें जिस मिल मिला के ये सारी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की यहाँ से यहाँ से निकलती हैं वो सारी ग्रीन हाउस गैसेस अब इनमें कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जिसके जिसमें ज़्यादा ये आ, इमिट करते हैं अब देखें दो बड़ी दो बड़े ममालिक यहाँ पे चाइना और यूनाइटेड स्टेट सबसे बड़ा आ, चाइना में अब ये रिसेंटली इतनी ज़्यादा इनकी इमिशन हो गई है कि वो सारी दुनिया को उन्होंने पीछे छोड़ दिया टोटल इमिशन के हिसाब से लेकिन इनकी आबादी भी देखें अब वन बिलियन पीपल जो है अब उनको अगर डिवाइड करें पर कैपिटा तो इनकी पर कैपिटा एमिशन इतनी नहीं होती अमेरिका में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कम है बहुत कम से मतलब रिलेटिवली कम है तीन सौ तीस तीन सौ चालीस मिलियन तो उसकी वजह से उनकी पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज़्यादा है अभी मैं आपको ग्राफ दिखाऊँगा कि वो तो सबको पीछे छोड़े हुए हैं और जो बाकी जो हैं वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो गया उन्होंने अब इंडिया की मिसाल दे लें जितनी उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उस हिसाब से उनकी एमिशन भी बढ़ती चली जा रही है जापान है रशिया है ईयू है पूरे ईयू को देख लें सिर्फ दस फीसद है उनकी मिला के तो ये सारी जो दो स्पेशली ममालिक जो हैं चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स इनकी पार्टिसिपेशन इन इसके सोलूशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ निक, सारा निकल रहा है यहीं से तो अब यही इनका होता है कि जहाँ पॉलिटिकल चेंज आता है स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में कि एक मरता रिपब्लिकन पार्टी आएगी उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पर छोड़ा हुआ है वो लोग करें फैसला फिर डे, डेमोक्रेटिक आगे उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो गवर्नमेंट का काम है तो सबको हमें खुद करना चाहिए तो वो ऊपर नीचे होता रहता है अब बाकी जो ममालिक पाकिस्तान है इंडिया है ब्राज़ील है वो कहते हैं जी आप लोग अगर फैसला नहीं कर सकते तो हम लोग कैसे करेंगे हम तो बहुत छोटे से ममालिक तो ये एक बड़ा आजकल चल रहा है पेरिस प्रोटोकॉल है पूरा अब मैं आपको आईसी पी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा एक मॉड्यूल के अंदर कि ये सारा है उन्होंने बताया कि कितना कितना कम करना चाहिए कि अर्थ का टेम्परेचर दो डिग्री नहीं बल्कि सिर्फ शायद 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े है ना 1.5 डिग्री में भी बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है पहले तो वो कहते थे तीन डिग्री अब तो अब ऐसा हालत आ गई कि तीन डिग्री से ज़्यादा दिन नहीं चल सकते उसको आधा करना पड़ेगा वन डिग्री ये अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज़ बता रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब उससे सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पेरिस प्रोटोकॉल में ये लिखा हुआ है कि आप इतना करेंगे आप इतना करेंगे आप इतना करेंगे उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि अगर नहीं करेंगे तो आप पे इतना जुर्माना होगा उस पर ये सिर्फ ये है कि हर साल आके बताते रहें कि कितना कितना किया है आपने ताकि कम अज़ कम आप ईमानदारी से काम करते रहें लोगों को बताते रहें हम चेक करते रहें तो वो वो है पेरिस प्रोटोकॉल में उसमें भी लोग बड़ी खबाहत करते हैं अमरीका निकला ट्रंप के ज़माने में तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा मैं भी नहीं आता अब अमरीका चला गया तो मैं भी निकल जाऊँगा अब फिर बाइडन आए हैं तो ये 2022, 2023, तो न, दो हज़ार बाईस दो तो दो दोबारा वापस आ गया अमेरिका तो सब फिर वापस आ गए फिर दोबारा काम शुरू हो गया तो अब देखें आगे जाके क्या होता है ये पर कैपिटा जिसकी बात कर रहा था मैं यूनाइटेड स्टेट्स का देखें आप कितना ज़्यादा है दुगने से ज़्यादा है सारे यूरोपियन यूनियन को मिला लें उनसे दुगने से ज़्यादा है वो चाइना कहाँ है चाइना तो इधर वो एशिया पैसिफिक में शायद कहीं छुपा हुआ इधर उधर होगा उसकी वजह कि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पर कैपिटा एमिशन का तो बहुत ही कम रह जाता है तो वो क्या करें इतने सारे लोग हैं तो वो उसका उनका तो सबका बेड़ा तो नहीं उठा सकते उनको सबको अपनी अपनी ज़रूरत है एनर्जीज की और इसकी उसकी तो ये जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं ना ऑलरेडी चाइना भी इसमें रिस्पांसिबल है बहुत हद तक क्योंकि मैसिव अमाउंट ऑफ एमिशन फ्राम चाइना यूनाइटेड uh, स्टेट्स और पर्टिकुलरली ये जितने भी वेस्टर्न uh, बिग जो जी एट जिसे कहते हैं ना वो लोग अगर uh, इस इस सोलूशन uh, के लिए कुछ ना कुछ नहीं करेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी वो बहुत हैसीटेटिंगली करते हैं वो लोग uh, वो जो अब वो जो एक बड़ी इसमें आगे जाके मैं फिर इस पर और तफसील से बात करूंगा कि जो वहाँ पे होता है अमेरिका में फॉर एग्जांपल या जर्मनी में या फ्रांस में उसका अफेक्ट हमको पड़ता है ना अमेरिका पाकिस्तान में पड़ता है ना तो उसका उसका फिर कोई ऐसा होना चाहिए तरीका कि अगर आप पुलूट कर रहे हैं तो जो नई पोलूट कर रहे हैं उनको आप उनकी मदद करें जब पुलुशन से नुकसान पहुँचता है वो एक यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट फंड है जिसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया है उसमें पैसे ही नहीं है कोई देने को तैयार नहीं है कि उन लोग उन गरीब ममालिक कोई कुछ फलाह बहदूद की जाए जिन पर इनका असर ज़्यादा पड़ रहा है लेकिन ये सिचुएशन है जितना प्रोडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की बड़े बड़े ममालिक से तो इनको इस मसले पर ज़्यादा से ज़्यादा तोज्ह देनी पड़ चाहिए